जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो आप लोगों के कमेंट के ऊपर है। कमेंट जो मैंने वैकेंसी का एक वीडियो बनाया था उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो उसके ऊपर सोचा वीडियो बना देता हूँ। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको देखने को मिलेगी जो कि मैं फिज़िकल के बारे में आप सभी को बताऊँगा। तो बात कर लेते हैं पिछले वीडियो के बारे में। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और जिनको पसंद नहीं है वो नहीं देख सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं, जिनको अच्छा लगता है वो देखिए। ज़रूरी नहीं है किसी के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बात करते हैं पिछले, कोई अपना एक भाई ने कमेंट किया था कि आप क्यों ऐसा सर बोल रहे हो कि वैकेंसी बढ़ेगा। और वो उस भाई का वो डाउट में वो भाई था, वो भाई मैंने वीडियो बनाया था उसको अच्छे से सुना नहीं। उसने सोच लिया कि जो मैं वैकेंसी बता रहा हूँ कि बढ़ेगा, उसमें मैंने अगस्त वाले की बात की थी कि जो अगस्त में वैकेंसी आने वाली है इसलिए वैकेंसी बढ़ेगा। तो उसने सोचा कि अगस्त में जो वैकेंसी आने वाली है वो इसमें ऐड कर देगा। ऐसा कभी होता है क्या? पूरा ऐड कर देगा? पूरा ऐड नहीं करेगा। उसमें से जो वैकेंसी आपकी इतनी पोस्ट कम निकाली गई है, मुझे हम लोग को पता है कि कितने हर एक पोस्ट, हर एक फौज में, CISF हो गया, CRPF हो गया, BSF हो गया, कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। आप सुन के भी, आपकी जो वैकेंसी 26,000 आई है ना, वो एक डिपार्टमेंट में इतनी सीट खाली है, इतनी रिटायरमेंट गई है। तो वही बात आपको बता रहा था कि 2018 में जो फॉर्म फिलअप हुआ था उनका कोरोना के कारण 21 में ज्वाइनिंग करवाया था, उसका बीच में जो गैप हुआ था ना उसको अभी तक फुलफिल पूरा नहीं हो पाया है। क्योंकि हर साल जो रिक्रूटमेंट करा रहा है ना, तो इस बार इतना जल्दी क्यों आ रहा था? तो इस इलेक्शन के कारण ये लेट हो गया। तो वो क्या करेगा, जो पिछली अभी जो रिटायरमेंट गया है ना इतनी भारी संख्या में, तुमको पता नहीं है भाई, हमको पता है तो हम वीडियो बनाते हैं तो कुछ नॉलेज लेके बनाते हैं। और बात जहाँ तक रही कि वैकेंसी बढ़े नहीं बढ़े, वो तो अलग बात होती है। जिस कैंडिडेट का एक दो मार्क कम रहता है वो अभी से डीमोटिवेट हो जाएगा, हमारा वीडियो देख के कम से कम वो रनिंग करेगा। रनिंग करेगा तो एक फ़ायदा उसका, अगर वैकेंसी बढ़ती है तो कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा तो उसका चांस बनता है कि वो रिक्रूटमेंट निकाल सकता है। अभी वो डीमोटिवेट होके रनिंग अच्छे से नहीं करेगा, उसके बाद वहाँ पे जाके 24 मिनट उसका टाइम लग रहा है, 26 मिनट आ रहा है, वहाँ पे जाके फेल हो जाएगा। बाद में पता चलेगा कि उसके नंबर पे ही मेरिट बन गया। तो इसीलिए दोस्त, अगर आपको ये वीडियो, आप हमारे वीडियो से कोई प्रॉब्लम है तो आप नहीं देख सकते हो। अब बात जहाँ तक दोस्तों वैकेंसी की है ना, तो वैकेंसी पक्का बढ़ेगी, आपको इतना बता देता हूँ। वैकेंसी बढ़ेगी क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है ना बहुत कम निकाला था SSC ने। अब सभी को पता है कि SSC पहले वैकेंसी कम निकालता है, बाद में उसको बढ़ा देता है, बाद में डाल सकता है। ऐसा कोई वो उसमें रूल्स लिखा हुआ नहीं है कि वैकेंसी बढ़ नहीं सकता, उसमें वो कभी भी ऐड कर सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि SSC कोई 10,000 और ये इतना 1,00,000 कैंडिडेट का नहीं कराता है, उसके पास बहुत ऑप्शन है। जब उसके पास ऑप्शन है, जब अब फिज़िकल आपका लेगा, फिज़िकल लेगा तो उसमें लड़के जो पास होंगे वो भारी संख्या में जब पास होंगे तो उसमें से वो उस हिसाब से मेडिकल करवाएगा, मेडिकल में पास होते हैं। जब ज़्यादा एक सीट पे अगर 4 लड़के वो निकालता है बाद में, तो वैकेंसी पक्का वो बढ़ाएगा। क्योंकि उसमें आपको क्या रिक्रूटमेंट कराने में क्या बोर्ड को, आपको क्या लगता है, बोर्ड का टाइम के साथ पैसा बर्बाद होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हम ड्यूटी कर रहे हैं ना दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पे इतना मतलब रिटायरमेंट चले गए हैं, इतनी ज़रूरत है और मतलब यहाँ पे बल सदस्यों का, कि यहाँ पे छुट्टियाँ मिलनी बहुत मुश्किल हो गई हैं। छुट्टियाँ मिलनी इसलिए मुश्किल हो गई क्योंकि यहाँ पे रिटायरमेंट बहुत जा रहे हैं, रिटायरमेंट जा रहे हैं। तो अब सभी को पता है कि पैरामिलिट्री बहुत सारी ड्यूटी करती है, उसमें इलेक्शन ड्यूटी भी आती है, बहुत सारी इलेक्शन ड्यूटी आती है। उसके कारण हर साल आपको पता है कि इंडिया में कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है, कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ लफड़ा होता है। तो इसी कारण जो बल सदस्यों की छुट्टी में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो इतने पोस्ट खाली है तो उनको जल्द से जल्द भरना पड़ेगा। तो यही बात मैं बताना चाह रहा था कि आप अपना फिज़िकल अच्छे से करो और अच्छे से फिजिकल पे ध्यान दो, बाकी वैकेंसी बढ़ने का कमने का है वो तो देखा जाएगा। आपका रिज़ल्ट अभी दोस्तों देखने को जल्द से जल्द मिल जाएगा, तो आपका जिनका नंबर अच्छा है उनके लिए तो बोलता हूँ बहुत अच्छा मौका है। आप कहीं रिज़ल्ट अच्छा है, आपका जो कुछ प्रॉब्लम हो, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट के लिए, प्रॉब्लम से मतलब है कि आप सभी को बताओ कि बहुत लड़कों का मार्क्स अच्छा रहता है, उनको पे यहाँ पे जैसे मेडिकल में आपको निकाल सकता है, ज़्यादातर पाइल्स में निकलेंगे। फ्लैट फुट तो छोड़ दो, जिसका फ्लैट फुट रहेगा उसका कोई चांस नहीं है, फ्लैट फुट का तो बहुत कम चांस है, बहुत रेयर, पर फ्लैट फुट का चांस नहीं है।
उसके बाद नौकनी हो गया, साइनस प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें इन सब प्रॉब्लम में एक दो प्रॉब्लम होती है जो कि ट्रीटमेंट से सही हो जाती है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा दोस्तों, बता देंगे आपको कैसे क्या करना है। जो देखो दोस्तों, बात ये कि जब आप मेडिकल देने जाओगे, अगर आपने पहले कुछ ठीक करवा लिया तो मेडिकल दोगे तो वो उसको प्रॉब्लम अगर दिखाई नहीं दी तो आप पास हो जाओगे। अगर आपका प्रॉब्लम है तो वो कैसे पास करेगा आपको? जो ठीक जो होने वाला है, जो रीमेडिकल आपको फॉर्म जो डालेगा जब रिजेक्ट होगे, तो उसमें वही लिख के देता है ना कि इसको ठीक करा के आओ जल्द से जल्द। अब आपको पाइल से आपको रीमेडिकल के 15 दिन का टाइम दे दिया, तब ठीक करा के आ सकते हो? नहीं होगा, 15 दिन के अंदर वो घाव कभी वो होता नहीं है, ठीक भी नहीं होता है। तो दोस्तों, बात करने वाला तो मेन आज का टॉपिक है, मैं बात करने वाला था आपके फिज़िकल। तो दोस्तों, फिज़िकल बार बार मैं देख रहा हूँ टाइम उतना ही बहुत लड़कों का आ रहा है, तो उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करिए कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, किस चीज़ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपका प्रॉब्लम जिस चीज़ पे होगा उस चीज़ पे हम वीडियो बनाएंगे, और वीडियो को आप मेरा अंत तक देखोगे ना तो आपको नॉलेज ही मिलेगा। मेरे वीडियो से कुछ आपको बेफालतू टाइम वेस्ट वाला कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हम देखो वीडियो बनाते हैं तो हमारा भी फ़ायदा है, और हमारा जब फ़ायदा है तो हम आपका भी फ़ायदा करते हैं। फ़ायदा करने से मतलब है कि आपको कुछ नॉलेज दे के जाएँ, क्योंकि हम वो चीज़ करके आए हैं, तो हमारे अंदर हम उस चीज़ से गुजर के आए हैं, तो इतने सालों का हमारे पास नॉलेज है। तो नॉलेज है तो सोचता हूँ कि आप इसको आप करना तो आप ही को दोस्तों, फिज़िकल करोगे आप, मेहनत करोगे आप, फिर भी बहुत चीज़ आपको देखा जाता है कि आपको कोई गाइड करता है ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आप जब पहली अगर फर्स्ट रिक्रूटमेंट आपका होगा, अगर फिज़िकल देने जा रहे हो तो दोस्तों उसमें ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं क्योंकि उन कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से फेल हो जाते हैं। तो उन छोटी छोटी गलतियों को बचने के लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। तो गलतियों से बचने के लिए तैयार होना पड़ता है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। क्योंकि जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट देने जाएगा, फर्स्ट रैली देने जाएगा, उसके लिए रहेगा वो, क्योंकि उसमें पहले पहले जाके जोश रहता है, रनिंग शुरू होगा तो हड़बड़ाहट भी रहेगा, किसी को कोई डरता भी है। तो दोस्तों, बस रनिंग शुरू जब होता है, बस आपका 1 मिनट, उसके बाद आपका डर कैसे ख़त्म हो जाएगा। उसमें बहुत सारा टेक्टिक्स है, कैसे रनिंग करना किया जाता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, जो कि 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो इजी भी मानी जाती है, वो बहुत हार्ड भी मानी जाती है, उतना इजी भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको चेस्ट के लिए, हाइट के लिए, हाइट तो दोस्तों जिनका कम हाइट है उनके लिए वो कोई अलग से वो पास नहीं हो पाएंगे, जिनका बहुत ही कम है उनका हाइट बढ़ भी नहीं जाएगा। वो गलत फहमी में आप मत रहिए, या कोई वीडियो बना देगा कोई ऐसे हाइट बढ़ जाएगा वैसे बढ़ जाएगा, वो ऐसे हाइट बढ़ने वाला नहीं है, आप सभी को पता है, वो एक नेचुरल थिंग है। बाकी जिनका चेस्ट नहीं होता है वो काम कर सकते हैं अपने चेस्ट के ऊपर, वो आपका बन सकता है। तो चेस्ट के लिए, चेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका चेस्ट 90 भी हो तो क्या हुआ, एक्सपांड नहीं कर पाओगे ना दोस्तों। 90 CMS भी हो, अगर एक्सपांड नहीं कर पाओगे तो कोई काम का नहीं होगा। तो चेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, कहीं आप पास कर लिया रनिंग, आपका मार्क अच्छा है, उधर चेस्ट में निकल गए तो फिर दोबारा आपको कोई बुलाने वाला नहीं है, दोबारा कोई भी मौका जल्दी मिलेगा नहीं कि वर्दी पहन सको। और आप सभी को पता है जो आता है यहाँ पे फौज में जो आता है ना, वो एक मिडिल क्लास, आप सभी को पता है, फैमिली से आता है, बहुत मिडिल क्लास क्या बोलोगे आप, बहुत लगभग किसान का बेटा आएगा, या तो जिसके घर में मतलब आमदनी कमी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा, वही लोग आते हैं। देश का जुनून होता है, वो लोग भी आते हैं, और देश को दोस्तों सभी के पास जुनून होता है, कोई ऐसा नहीं है कि देश के लिए मतलब फौज को लाइक नहीं करता है, फौज में आना चाहता है, सभी का एक ड्रीम होता है, वो तो बात की बात है। फिर भी आज जॉब की तरफ हम इसको आज लोग फौज को जॉब की तरफ देखने लगे हैं, पर अब जुनून की तरह देखिए, उससे मेहनत करिए कि वर्दी पहनेंगे तो झंडे का तिरंगा पे जब सल्यूट करोगे, या तो आपको कोई सल्यूट करेगा रोड पे तो वो अलग फील होगा, उस हिसाब से रनिंग करिए तो आप मेहनत अच्छे से कर पाओगे, आपका एक जोश बना रह जाएगा। तो इसको एक जॉब की तरह मत देखिए, जॉब की तरह देखोगे तो दोस्तों कि जॉब की तरह रिएक्शन भी मिल जाता है, तो मेहनत अच्छे से करो। और बात हुई कि जिनको हमारा वीडियो पसंद नहीं आता है वो वीडियो नहीं देख सकते, आप सब्सक्राइब भी करके रखोगे और वीडियो भी आपको पसंद नहीं आएगा, बोलोगे कि क्यों वो कर रहे हो, तो वो
उन्हीं के लिए जो था जो इसने कमेंट किया था, वीडियो में जो बोलता हूँ उसको अच्छे से सुनो उसके बाद कमेंट कीजिए। बाकी तो दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।